खबर कोटा बूंदी जिले से है, जहां के नेनवा थाना क्षेत्र के सिसोला गांव में जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसके कारण इस घटना में घायल हुए युवक की मौत हो गई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए नेनवा थाना एएसआई देवलाल ने बताया कि गिरिराज गुर्जर और दुर्गालाल के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 18 मार्च की दोपहर 4 बजे करीब गिरिराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुर्गालाल पर हमला कर दिया और इस हमले में दुर्गालाल और उसका बेटा लोकेश, पत्नी घायल हुए, जिनको इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लोकेश की शुक्रवार को मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। दिनांक 18/3/2024 को शाम को 4-5 बजे की बात है, 4-5 बजे करीबन की बात थी कि दुर्गालाल जी देख रहे सिसोला, जिनके और गिरिराज गुर्जर के बीच को जमीन का विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर गिरिराज गुर्जर उनके साथी द्वारा इनके और इनके लड़के लोकेश ने पत्नी के साथ मारपीट की थी। जो लोकेश जायसवाला अस्पताल में भर्ती था, जिसके आज सुबह मृत्यु हो गई। मर्डर में केस दर्ज होगा? हाँ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वह मर्डर की धाराओं जुड़ जाएगी उसमें। तो सर कितने जनों ने मिलकर मर्डर किया? अब 10-12 आदमी बता रहे हैं ये लोग। सर राउंड अप कर लेंगे? हाँ, कुछ लोग तो आगे राउंड अप हो गए, कुछ और आ जाएंगे।